अब ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये गांव हमारा है, तुम्हारे बाप का नहीं है, बाप का नहीं है। और मेरा सवाल है कि हुकूमत महाराष्ट्र ऊर्जा डिपार्टमेंट से आपका कौन सा एग्रीमेंट हुआ? अब वो कॉपी भी हमको आज चाहिए। क्या एग्रीमेंट हुआ ये भी हमको चाहिए, शहर के आवाम के सामने रखना चाहिए। अगर हुकूमत ने, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने अगर आपको टेंडर दिया, ठेका दिया शहर का, तो उस एग्रीमेंट के अंदर यह तो लिखा होगा कि पैसा वसूल करना, लॉसेस कम करना, उसके साथ साथ में इस शहर की आवाम को क्या सहूलत देना वो भी तुमको बताना पड़ेगा। सिर्फ वसूली करने के लिए ठेका नहीं दिया गया, नया ट्रांसफार्मर लगना चाहिए, उसके अंदर लिखा होगा, नई केबल लगना चाहिए, उसमें लिखा होगा अंडरग्राउंड केबल डालना चाहिए, यह लिखा होगा, नए सब स्टेशन बनाना है वो लिखा होगा। आज तुम ये बोलते हो कि हमारे पास ओवर लोड है, हम नए कनेक्शन नहीं दे पाएंगे। तो आपके 2 साल गुजर गए, अब तक तुम क्या सो रही थी क्या कंपनी? हमको कनेक्शन भी चाहिए, हमको नए ट्रांसफार्मर भी चाहिए, हमको नए सब स्टेशन भी चाहिए, हमको नए केबल भी चाहिए, हमको नए कनेक्शन भी चाहिए, अंडरग्राउंड केबल भी हमको चाहिए, और हमको नए कनेक्शन भी चाहिए, और लोड शेडिंग भी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ा मां वितरण के भी, और कंपनी आने से और ज्यादा बढ़ गई है लोड शेडिंग। डिपार्टमेंट हमारे जेब में है तो पुलिस इस बात को नोट करे कि ये लोग बोलकर बैठते हैं ऑफिसों के अंदर और ये बोलते हैं कि डिपार्टमेंट हमारे जेब में है। यानी पुलिस के ऊपर जो विश्वास भी शहर के आवाम का है, जो भरोसा है, वो भरोसा तोड़ने का काम ये कंपनी के लोग करते हैं, आपकी बदनामी करते हैं। किसी और को जेब में रख सकते हैं, हम इसमें के लोग नहीं है कि इनकी कंपनी की केबिन में जाकर इनका काजू बादाम खाएंगे, इनका कॉफी पिएंगे, इनकी बिस्किट खाएंगे, हम ऐसे लोग नहीं है। हमको पता है जब मीटिंग आप लेते हो तो कितने एजेंट नुमाइंदे के साथ बैठकर आप एजेंट गिरी करते हो, ये हमको समझता है। और तुम्हारे नीचे के ऑफिसर जो एजेंट काम करते हैं, जो एजेंट लॉबी है, जो शहर के नुमाइंदे के साथ आती है और शहर का नुमाइंदा उनकी पहचान कराता है कि मेरे लोग है ये एजेंट गिरी करेंगे, आप उनका साथ देना। तो फिर चाहे वो वासु साहब हो, रत्नाकर हो, पुरोहित हो, आरिफ हुसैन हो, प्रेम सिंह हो, सबकी कैबिन के अंदर बैठकर वो एजेंट लोगों को काजू बादाम और चाय पानी की जाती है। हम उसमें के लोग नहीं, हम जमीन पे बैठ के आवाम का काम करने वाले हैं। अगर ये धंधा अगर कंपनी ने नहीं बंद करी तो मजबूरी में आइंदा कदम हमारा ऐलान होगा कि शहर के अंदर इनका बायकॉट किया जाए, एक भी स्पॉट की गाड़ी को घूमने ना दिया जाए, एक भी बिजली बिल ना भरने दिया जाए, एक भी कर्मचारी को ना घूमने दिया जाए। ऐसा ऐलान करने पर हमको मजबूर मत करो, और अगर तुम्हारी जबान और तुम्हारा तरीका का बदलना होगा और पूरी ऑफिस सड़ाना नाते की इस कैंपस के अंदर लाना होगा और यहाँ पर बैठकर ये शहर की आवाम यहाँ के मसाइल हल करेंगे। मालेगांव शहर में जो पावर कंपनी आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महावितरण कंपनी को हटाकर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मालेगांव शहर का बिजली का ठेका दिया, और ये उद्देश्य से कि सुविधा अच्छी मिलेगी, सहूलत अच्छी मिलेगी, सेटअप हमारा अच्छा होगा, लेकिन महावितरण कंपनी जो थी उससे भी खराब हालत आज पावर कंपनी के रहते हुए है। और मालेगांव शहर के बुनकर हो, मालेगांव शहर के प्लास्टिक कारोबार करने वाले हो, मालेगांव शहर के छोटा मोटा व्यापार करने वाले हो, या घरगुती लोग हो, ये जो दादागिरी पावर कंपनी की चल रही है, डिसकनेक्ट करना, एवरेज बिल देना, मन मर्जी से दंड आकारना,
रात के अंधेरे में रेड करना, जहाँ पर ओवरलोड है वहाँ पर नए कनेक्शन नहीं देना, और जो पुलिस की धमकी देकर जो केसेस फाइल कर रही है, ये मालेगांव शहर की आवाम के साथ में ये जुल्म किया जा रहा है, नाइंसाफी की जा रही है। और इसके लिए आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने ये ऐलान किया था कि जिन लोगों इससे पीड़ित है, जो लोगों के मसाइल है, जिन लोगों को पेनल्टी बिल दी गई, जिन लोगों के एवरेज बिल दी गई, जो लोगों को नए कनेक्शन नहीं मिले जा रहे, ऐसे तमाम ही लोगों को आज हमने यहाँ बुलाया था। और यहाँ से अभी हम लोग मोर्चा लेकर जा रहे हैं। अब जहाँ पर भी पुलिस डिपार्टमेंट ने व्यवस्था की होगी, इंतज़ाम किया होगा, जहाँ तक जाने देंगे वहाँ तक जाएंगे, लेकिन हर हाल में मोर्चा निकलेगा।